Students of class 9th, today we will discuss some more important concepts of the same chapter Linus and Angulus. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हियर. पिछले लेक्चर में हमने लिया था इफ वी हैव टू लाइंस इन ए प्लेन देन टू कंडीशंस होल्ड आइदर दीज आर पैरेलल और दीज आर इंटरसेक्टिंग. इफ दीज आर इंटरसेक्टिंग वी गेट पेयर्स ऑफ linear pair angles and pairs of vertically opposite angles, and vertically opposite angles are equal. Now if we have more than two lines in the same plane, say three lines, अगर हमारे पास three lines होंगी कौन सी possibility है? एक possibility तीनों lines आपस में parallel होंगी, तब जाके उसको एक side में उसको छोड़ देंगे. यहां अगर अब सेकेंड एक कंडीशन ये हो सकती है तीनों लाइंस पैरेलल है, अब जाके हम यहां पे इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ नहीं सीख सकते हैं. नाउ इफ वी हैव टू लाइंस पैरेलल एंड द थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स दीज टू लाइंस इस तरह भी कह सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल वन लाइन इंटरसेक्ट्स वन लाइन देन नेसेसरी दैट लाइन आल्सो इंटरसेक्ट्स द थर्ड लाइन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव हियर अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स दिस, यहां पे फिगर से ये लगता है इट इंटरसेक्ट्स ओनली दिस लाइन बट इट आल्सो इंटरसेक्ट्स दिस लाइन. रिमेंबर दिस, यहां पे हमारे पास अगर दो लाइनस पैरेलल होंगी, एक लाइन इन लाइनस को इंटरसेक्ट कर रही होंगी. दीज टू आर पैरेलल लाइनस एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ दीज टू, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ए ट्रांसवर्सल लाइन इज द लाइन इन ए प्लेन व्हिच इंटरसेक्ट्स एनी टू पैरेलल लाइनस इन द सेम प्लेन. And this line is the transversal for these two lines. This line intersects here. यहाँ पे intersect कर रही है इस लाइन L को और M को यहाँ पे intersect कर रही है. जब intersection हो रहा है, as in previous lecture, if we have two lines they intersect to each other, we get vertically opposite angles. And we get linear pair angles. यहां पे अगर intersection is line LR, इस line का हो गया, यहां पे ये और ये vertically opposite angle आ गया, ये equal होगा. इसी तरह ये angle और ये angle भी vertically opposite angle हो गया, ये भी equal है. मान लीजिए 1 and 2, 3, 4. 1 and 3 are vertically opposite angles, equal है. 2 and 4 are vertically opposite angles, ये भी equal है. Next, this is line M, this is another line N. They intersect each other at point this angle 5 and angle 6 are vertically opposite angles, they are equal. And 7 is equal to angle 8, they are also equal. These are also vertically opposite angles as we discussed in previous lecture. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक्शन है, रिमेंबर दिस. ये जो एंगल 1 है, एंगल 5, एंगल 1 पहले हम डेफिनेशन लेंगे. एंगल 1 एंगल 5 इसी तरह एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 7 इसी तरह एंगल 4 एंगल 8 इसी तरह एंगल 3 एंगल 6 इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम इन ए प्लेन एन इज द ट्रांसवर्सल फॉर द
दीज टू लाइन्स, देन दीज पेयर्स 1 5 जो यहाँ पे फिगर में है 1 5 पेयर, 2 7 पेयर, 4 8 पेयर, 3 6 आर कॉल्ड इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रिमेंबर दिस, सेकेंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो तो आप जानती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन होगा इस तरह, सेम इफ एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इन द सेम प्लेन, एन इज द ट्रांसवर्सल, देन एंगल 2 8 पियर इज एंगल 2 8, ये जो 2 8 3 5 These are called alternate interior angles. Interior angles. These are alternate 2 8 3 5 are alternate interior angles. Now next pair. If we have L and M are two parallel lines, N is the transversal, then angle 2 5, pair angle 2 5. इसी तरह 3 8 and angle 3 8, angle 3 angle 8. These are consecutive interior angles. These are called a pair of consecutive interior angles. These are called corresponding angles. These pairs are called alternate interior angles, and these pairs are called consecutive interior angles. Remember this, dear students. Consecutive interior angles. Interior angles.